कामयाबी की एक खास अदा होती है, कामयाबी की एक खास अदा होती है, ये मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमलता शर्मा और आप देख रहे हैं हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। दोस्तों, दुनिया के जाने माने दार्शनिक और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने कहा है कि आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं, आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। आपकी श्रेष्ठता आपके कामों में नहीं बल्कि आपकी आदतों में छिपी होती है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इन्हीं आदतों का जिक्र करने वाली हूँ। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो इन आदतों को अपने जीवन में ऐड कर लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, स्टीफन कोवी का नाम आपने सुना होगा। स्टीफन कोवी एक ऐसे थिंकर और राइटर हैं जिनकी एक बुक आई थी 1989 में, और उस बुक का नाम है 7 Habits of Highly Effective People। और ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की जो बेस्ट सेलर की लिस्ट थी उसमें लगातार 5 साल तक बनी रही। दोस्तों, बहुत बेहतरीन ये बुक है, और इस बुक में स्टीफन कोवी ने 7 आदतों को इतने विस्तार से डिस्क्राइब किया है, आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसी खास 5 आदतों का जिक्र करने वाली हूँ जो हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर लीजिए अपने आप को कि कहीं आप में इन आदतों की कमी तो नहीं है। वीडियो में मैं आगे इस टॉपिक पर बात शुरू करूं, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, आदतों का जिक्र करूं उससे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आदतें बनाती और बिगाड़ती हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें होंगी तो हमारी पर्सनैलिटी का जो विकास है वो सही दिशा में होगा, और बुरी आदतें हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं नीचे ले जाती हैं। तो अच्छी आदतों को ऐड करने के लिए जो पहली हैबिट है वो है प्रोएक्टिव बने रहिए, बी प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव बने रहने के लिए क्या करना जरूरी है, देखिए इसके लिए ये कि आपको सक्रिय होना जरूरी है, आपको करेक्टिव एक्शंस लेने जरूरी हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम हर बार एक्शंस लेते हैं, हम करेक्टिव एक्शंस ही लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, कई बार ऐसा होता है हम अपनों के साथ बात करते हैं, या कई बार ऑफिस में भी ऐसा होता है, और हमें गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो हम गुस्से की वजह दूसरे को बताते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि भाई आपने ऐसा एक्शन किया था, उसके रिएक्शन में गुस्सा आया। तो मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति प्रोएक्टिव होगा, क्या वो अपने बिहेवियर की, अपने रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को जिम्मेदार ठहराएगा? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तो अगर आप में भी ये आदत है कि आप अपने व्यवहार को लेकर, अपने गुस्से को लेकर, या अपनी किसी भी कमजोरी की वजह किसी दूसरे को बताते हैं, तो इसे चेंज कर लीजिए, क्योंकि प्रोएक्टिव बने रहने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को सक्रिय बनाए रखना, और सक्रिय पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको सक्रिय बने रहना है। इसके लिए क्या करना है, आप अपने एक्शंस की, अपने रिएक्शंस की, अपने बिहेवियर की, अपने थॉट प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कोई भी आपको प्रोवोक नहीं कर सकता, और अगर किसी के प्रोवोक किए जाने से आप प्रोवोक हो रहे हैं तो फिर आपको चेक करने की ज़रूरत है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। हर बार दूसरा व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, आपको भी चेक करने की ज़रूरत है। तो बी प्रोएक्टिव, अपने आप में सुधार के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सक्रिय बने रहने के लिए वही जो स्टेप है वही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर सुधार चाहेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और जब सुधार चाहेंगे तभी आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं, तभी आप सक्रिय हो सकते हैं। इसके लिए बहुत छोटा सा एक स्टेप है, वो आप काम में ले सकते हैं, अपनी सेल्फ टॉक को आप चेक करिए। सारे दिन भर में आप किस तरह की बातें करते हैं अपने आप के साथ, तो अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, अपने सेल्फ टॉक इम्प्रूव करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आप प्रोएक्टिव नहीं हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी ज़िम्मेदारी आप खुद नहीं लेते हैं, आप दूसरों में कमियाँ निकालते हैं, दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। और जब आप ये चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो पहली जो हैबिट है वो ये कि आपको प्रोएक्टिव बने रहना है। अगर जीवन में कुछ भी चाहिए, चाहे आप यंग हैं, चाहे जिस भी एज में हैं आप, सफल होने का मतलब नहीं है, समझ लीजिए, सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाएं,
जाएं या बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, आप जैसे हैं जो काम कर रहे हैं उसमें एक संतुलित जीवन जी पाएं, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, अपने रिश्तों को, अपने जॉब को, सब चीज़ों को आप बैलेंस तरीके से मैनेज कर पाएं, वही होता है सफल जीवन। तो प्रोएक्टिव बने रहने के लिए आपको सेल्फ एनालिसिस करना है और सेल्फ एनालिसिस के लिए सेल्फ टॉक आप करिए, आप चेक करिए, आपको ये आदत ज़रूर अगर बदलनी है तो इसके लिए स्टेप उठा लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड हैबिट की। दूसरी हैबिट जो हमारी सबकी बहुत ख़राब है वो है कि हम पढ़ने पे ध्यान दे लेंगे, हम बोलने पे ध्यान देंगे, हम लेकिन सुनने पर ध्यान नहीं देते। तो सेकंड हैबिट ये है, बी अ गुड लिसनर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, हम बॉस के साथ हमारी ट्यूनिंग बिगाड़ लेते हैं, कलीग के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और ये ना सुनने की, सुनते तो हैं लेकिन हम पैसिव लिसनर होते हैं। एक्टिव और पैसिव लिसनर आप जानते होंगे, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी है मेरा, वो भी आप देख सकते हैं। तो एक्टिव लिसनर बनिए। एक्टिव लिसनर वो होते हैं जो सामने वाला जो कुछ भी कहता है उसके साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, उसकी भावनाओं के साथ, उसके विचारों के साथ, वो जो कह रहा है उसकी बात में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है। पैसिव लिसनर कौन होते हैं, वो सिर्फ सुनते तो हैं लेकिन अपना जवाब देने के लिए, और अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, हम किसी को सुनने या समझने के लिए सुनते ही नहीं हैं, हम सुनते हैं सिर्फ अपना उत्तर देने के लिए, और जैसे ही सामने वाला कोई बोलना शुरू करता है हमारे दिमाग में हमारा आंसर शुरू हो जाता है, यानी हम सुनने पर कम और अपना जवाब देने की तैयारी के लिए उसे सुनते हैं, और कई बार तो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो दोस्तों अगर ये आदत आप में है, आप सुनते नहीं हैं सिर्फ बोलते ज़्यादा हैं, तो इस आदत को चेंज कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं, जिसने भी कामयाबी हासिल की है, वो बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे लिसनर हैं। और ये भी आप जानते होंगे ना कि जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हम अपने ही बारे में बोलते हैं, जितना हमें आता है हम वही बोलते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। हो सकता है सामने वाले की भावनाएं जानने का मौका मिल रहा हो, हो सकता है कोई नई बात सामने वाला हमसे कह रहा हो, या फिर कोई नई सूचना, कोई नई जानकारी भी हमें मिल सकती है। तो अपना नज़रिया पॉजिटिव रखिए, ओपन माइंडेड रहिए, और सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए, और आप अपनी लिसनिंग जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाइए। आपकी कैपेसिटी अगर कम है सुनने की, तो फिर जाहिर सी बात है आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपको एक्टिव लिसनर बनने के लिए इस हैबिट को ऐड करना है, अगर जीवन में सफल रहना है, अगर जीवन में रिश्ते अच्छे चाहिए, अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए, तो बी ए गुड लिसनर। अब बढ़ते हैं तीसरी हैबिट की तरफ। तीसरी हैबिट है बी फ्लेक्सिबल। दोस्तों मैंने कई बार ऐसा देखा है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे जैसे भी हम सोशल सर्किल में हो, हम एडजस्ट नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला एडजस्ट कर ले। तो एक स्टीफन कोवी ने यहाँ पर एक सिनर्जी वर्ड का यूज़ किया है कि हैबिट्स में सिनर्जी मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। सिनर्जी को ऐसे समझ लीजिए कि तालमेल बना कर रखिए। आप ये बताइए ना, हम घरों में कितने सारे व्यवहार के लोग, कितने सारे थॉट प्रोसेस के लोग साथ होते हैं, लेकिन अगर तालमेल बिगड़ जाता है तो रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। या फिर ऑफिस में आप देख लीजिए, अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं, उनके साथ अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं होती है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो फिर जॉब करना आसान नहीं होता है। तो तालमेल बनाने की भी ज़रूरत है, तो आप तालमेल बनाइए। अब तालमेल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, तालमेल बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी के बारे में लोग ना पढ़ते हैं, ना इसे सीखते हैं, और ना ही इसे ज़िंदगी में ऐड करते हैं। दोस्तों मेरा एक वीडियो है, एक नहीं तीन वीडियो हैं, मैंने आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। इन वीडियोस को आप देखें और जानें कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। ये न सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ लें, और इमोशनल इंटेलिजेंस को जब आप समझ लेते हैं तो न सिर्फ आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आ जाता है, अपने बिहेवियर को मैनेज करना आ जाता है, बल्कि आप सामने वाले के बिहेवियर को, सामने वाले के इमोशंस को भी हैंडल करना सीख जाते हैं। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना आजकल तो किसी भी इंटरव्यू में आप जाएं तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेहद ज़रूरी है। आपसे बाकायदा एक टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट को पास करना ज़रूरी होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना ना तो आप सक्सेस हो सकते हैं, और ना ही आप अपनी निजी ज़िंदगी या जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें एक बेहतर तालमेल बना सकते हैं।
तो बेहद जरूरी है कि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करें। अब आता है नेक्स्ट की लर्निंग एटीट्यूड, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है। देखिए मैं कई लोगों से मिलती हूँ और जब ये पूछती हूँ कि आपने पिछले लंबे टाइम में कितनी किताबें आपने पढ़ी, तो लोग कहते हैं किताबें पढ़ने का कहाँ टाइम है, बिजी लाइफ है, जॉब भी इतना हेक्टिक है, घर पहुँचते हैं सो जाते हैं। तो मुझे बताइए, आपने अपनी ज़िंदगी में नई कुछ चीज़ ऐड नहीं की है तो वो जीवन जीने की जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलेगी? क्या आप रोज दाल रोटी खा सकते हैं? नहीं ना, आपको खाने में भी एक्सपेरिमेंट चाहिए कि आज तो कुछ अलग तरह का खाना बन जाए। तो अपने माइंड को भी तो कुछ अलग तरह की चीज़ दीजिए ना। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, किताबें बहुत अच्छा सोर्स है आपको नई इन्फॉर्मेशन देने का, आपके विचारों को सही दिशा देने का। तो अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो पढ़ने की आदत डालिए। दूसरा, कोई भी स्किल सीखिए आप। स्किल सीखने के लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आप फला स्किल सीखे, जिसमें आपकी रुचि हो वो चीज़ सीखिए। और दूसरी बात, आप अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोई अच्छी चीज़ आप सीख लीजिए ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेटर हो सके। तो दोस्तों, अपने आप को इम्प्रूव करिए। अपने थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी अगर है तो उस नेगेटिविटी को निकाल कर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए अपने आप को। हम हमारी आदतें चेंज ही नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठने की आदत, बहुत सारे लोग बात करते हैं सुबह का अलार्म लगाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। भाई, एक छोटा सा काम है जो आपको करना है वो नहीं हो पा रहा। अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो समझ में आता है, लेकिन बार बार हम उसे टालते रहते हैं, नहीं आज नहीं कल से करेंगे, अब आज तो हो गया लेट, आज तो क्या करना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको सक्सेस होने से रोकती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को डे बाई डे इम्प्रूव करिए। एक एक परसेंट आप डेली इम्प्रूव होते चले जाएंगे, आपकी हैबिट्स हमेशा के लिए पॉजिटिव बनेंगी। और आपने, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, आप वही हैं जो आपकी आदतें आपको बनाती हैं। अब जो लास्ट हैबिट है वो है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लीजिए। देखिए, प्रायोरिटीज़ हम तय नहीं करते हैं, हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। यानी घर में रहने वाले लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनकी ना तो वो प्रायोरिटीज़ समझते हैं, ना उनका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको समझते हैं, उनका वर्कलोड नहीं समझते हैं। ऐसे ही जो घर में रहने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस जो जॉब करने वाले लोग हैं वो नहीं समझते। तो इससे क्या होता है, इससे चीज़ें इम्बेलेंस हो जाती हैं। तो प्रायोरिटीज़ तय करिए, जॉब के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है उस टाइम को जॉब के लिए रखिए, उसके बाद फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी फैमिली, आपका अपना जो घर है वहाँ पर आप कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इसमें बैलेंस नहीं कर पाते हैं, प्राथमिकताएं तय नहीं होती हैं, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं और ये एक हैबिट बन जाती है। जॉब किया, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद आए, खाना खाया और सब, मतलब रूटीन बन गया है। इससे जो घर में साथ में रहने वाले लोग हैं या आपका अपना भी जो जीवन है, उसमें नीरसता आ जाती है। तो प्रायोरिटी तय करिए, और प्रायोरिटी तय करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ यानी निजी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ की प्रायोरिटीज़। निजी ज़िंदगी के भी कुछ घंटे होते हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के भी कुछ घंटे होते हैं। तो निजी जीवन में आपको क्या इम्प्रूव करना है, इसकी एक लिस्ट बनाइए। निजी जीवन में आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो उन पर ध्यान देना है, आपकी कोई हैबिट ऐसी है जिसे आप बदलना चाहते हैं, या कोई नई हैबिट आप अपनाना चाहते हैं, नई कोई हॉबी है जिसको आपको इम्प्रूव करना है। तो निजी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, आपकी हेल्थ को, आपकी फिटनेस को, हो सकता है आप अच्छा करना चाहते हो। ठीक ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ की लिस्ट बनाइए कि प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अभी ज़रूरी हैं। क्या कोई नई स्किल सीखनी है, क्या कोई काम करने का नया तरीका सीखना है, या क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और बेहतर हो जाए। तो इन चीज़ों को जब आप लिस्ट आउट करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें नया डायरेक्शन दिया जा सकता है, जिन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। दोस्तों, इन 5 हैबिट्स को अगर आपने अपनी लाइफ में ऐड कर लिया तो जाहिर सी बात है आप हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां आप करना चाहें, और हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको मोटिवेशन वीडियोस मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।